ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। कानपुर का प्राणी उद्यान जिसको चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, लगभग उसमें 1200 से ज्यादा जानवर रहते हैं। जहां एक तरफ भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कानपुर प्राणी उद्यान में भी जानवरों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं और उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जानवरों के सभी बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही वाटर स्प्रिंकलर से कृत्रिम बारिश की जा रही है। शेर व चीता के बाड़ों में भी फव्वारा लगा दिए गए हैं, जिससे कि वहां की जमीन ठंडी रहे और उन्हें गर्मी ना लगे। इसी तरह से खाने पीने को लेकर भी जानवरों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अगर बात घने बाल वाले भालू की कही जाए तो उसके लिए अलग ही इंतजाम किए गए हैं। उसको रोजाना फ्रूट आइसक्रीम खिलाई जा रही है। कूलर के अलावा चिड़ियों और तोतों के बाड़ों में खस की चटाई और वाटर फाउंटेन की व्यवस्था की गई है। अधिक गर्मी को देखते हुए मांसाहारी जानवरों की डाइट शाकाहारी जानवरों की अपेक्षा कम की गई है। चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं की और जानवरों की देखरेख के विषय में क्षेत्रीय वन अधिकारी नवेद इकराम ने सी न्यूज के संवाददाता भरत पांडे को क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, जैसे कार्निवोर एनिमल है हमारे, जितने लाइन है, टाइगर है, लेपर्ड है, उन सबके बाड़ों में कूलर लगे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा है। बाकी जो टाइगर बाड़े हैं उसमें इस साल हमने पावर सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, पावर सिस्टम वहाँ चल रहे हैं। बाकी उनकी फील्ड में रेन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेन गन का इस्तेमाल टाइगर में भी हो रहा है। अभी और से जितनी डियर वेराइटी है उनके बाड़ों में रेन गन चल रही हैं। और जो हमारे पक्षी बाड़े हैं उसमें हम खस के पर्दे वो उससे लगा के और फिर उसमें फॉगर सिस्टम हमने लगा रखा है, उससे टेम्परेचर मेंटेन कर। नहीं, हमारे यहाँ तीन बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तीन डॉक्टर्स की अच्छी टीम है, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती नहीं, वही लोग आराम से इलाज कर लेते हैं। तीन डॉक्टर हैं मैंने आपको बताया। नहीं नहीं, साथ तीनों साथ रहते हैं जी। हाँ शाम, बाकी कभी कोई इमरजेंसी कुछ भी होता है रात में भी हम लोग आते हैं। हाँ वो तो 24 आवर, कभी कोई इमरजेंसी होती तुरंत आते हैं। हाँ यही बस थोड़ा सा है कि पानी की मेन दिक्कत लोगों ज़्यादा रहती है, पानी पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सिस्टम लगे हैं अंदर और वो लगे हैं फ्रिज लगे हैं, उसी से मेंटेन कर। नहीं, डाइट चार्ट में जैसे जितने मांसाहारी जीव हैं उनका मांस थोड़ा कम कर दिया जाता है। मीट हम करीब 2 से 3 kg कम देते हैं। जाड़ों में इससे ज़्यादा ये बढ़ जाएगा 2-3 kg। और हिमालयन भालू है उसको इस टाइम जो सीजन फल आ रहे हैं, तरबूज है, खरबूजा, वो ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। प्लस आइसक्रीम हम उसको दे रहे हैं क्योंकि ठंडी जगह का जानवर है। आइसक्रीम 2 ब्रेक डेली एक जानवर को हम लोग दे रहे हैं आइसक्रीम के, हिमालयन भालू। हाँ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से आता है ये, तो उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसका विशेष ध्यान इस बात पर रखना पड़ता है। बाकी तो नॉर्मल जो सीजनल फल हैं वो उनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है जो रसदार है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रॉन ये पानी में घुल के ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसी तरह से उन लोगों को ध्यान दिया है। साथियों नमस्कार, सी न्यूज भारत की टीम इस वक्त आ पहुंची है कानपुर प्राणी उद्यान में, जिसको चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि गर्मी अपने चरम पे है और मौसम विभाग द्वारा 27 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में चिड़ियाघर में जो जीव जंतु हैं उनको किस तरीके से देखरेख करी जा रही है, उनकी देखरेख किस प्रकार से प्राणी उद्यान विभाग द्वारा के जो कर्मचारी गण हैं उनके द्वारा की जा रही है, इन सब मुद्दों पर यहाँ हम पहुंचे हैं, जानकारी लेंगे। हमारे बीच क्षेत्रीय वन अधिकारी भी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जीव जंतुओं के लिए सरकार द्वारा क्या लाभ दिए गए हैं, ऐसी गर्मी में किस तरीके से उनको सुरक्षित रखने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा है। चिड़ियाघर में तेंदुए का ये बाड़ा है, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं किस तरीके से तेंदुआ आराम फरमा रहे हैं
और सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा इनकी जो व्यवस्था कराई गई है, पानी के फुव्वारों का जो छिड़काव करा जा रहा है, जिससे इनको गर्मी में राहत मिल सकती है। हमारे बीच कुछ जनतागण हैं जो यहाँ पर छुट्टियों में लुत्फ उठाने आए। भैया क्या कहोगे, कैसा लगा, क्या नाम है? नाम है मेरा जायद। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आज आयो चिड़ियाघर, कितने दिन बाद आयो? हम यहाँ पे चोड़े अगर करीब आए 3 साल के बाद। अच्छा, कैसा लगा, क्या व्यवस्था लग रही है? अभी यहाँ है, आते साथ देख रहे, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है बढ़िया तरीके से। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या टिकट कितने रुपए पड़ी है? टिकट तो पड़ा 70 रुपए का टिकट, सरकार ने जो है टिकट थोड़ा महंगा कर दिया, इससे थोड़ा मसला खराब हो गया। अच्छा, हम चाहते हैं टिकट सस्ता करा जाए। अच्छा, मतलब गाड़ी का भी लुत्फ लोग उठा रहे हैं, तो गाड़ी का कितना किराया? 50 रुपए पर घंटा। 50 रुपए साइकिल के, जो बाहर साइकिल लगी हुई है किराया पे, वो 50 रुपए पर घंटा दे रहे हैं। हाँ। और 3 घंटे के 100 रुपए ले रहे हैं, पूरे दिन के 300 रुपए ले रहे हैं। अच्छा। हाँ। चलो कुल मिला के अच्छा लगा यहाँ पर आके? कुल मिला कैसा लगा भाई जी? बढ़िया लगा। लगा कौन कौन से जानवर देखे? अभी तो फिलहाल आएंगे लंच वगैरह के, बाकी तेंदुआ देखा है, बाकी उधर बाघ तो वो देखा है, अब खा पी के निकलेंगे तब जाके और देखेंगे। गर्मी तो खैर फिलहाल ज्यादा पड़ रही है अब किल, लेकिन फिर भी टहलना घूमना तो आनंद तो लेना ही। ये थी चिड़ियाघर में उपस्थित जनता, जिन्होंने बताया कि छुट्टी में लोगों ने यहाँ पर चिड़ियाघर में आके यहाँ का आनंद उठाया और इनको अच्छा लगा। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मगर मौसम विभाग जो है उस पे हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर चुका है, जिसके चलते जो यहाँ चिड़ियाघर के वन विभाग के अधिकारी गण हैं, उनके द्वारा यहाँ के जीव जंतुओं के लिए एक स्पेशल प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। चिड़ियाघर में कुछ महिलाएं हैं छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं, यहाँ पर भोजन कर रही हैं, ये लोग चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को देखने आई हैं। जानेंगे कि यहाँ इनको कैसा लगा, आज यहाँ पर आई हो आप, कैसा लगा? यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। कुछ साल पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं कानपुर में, एक्चुअली हम तो कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में भी जू घर है, बट इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये तो बहुत बड़ा है ना, और यहाँ पे तो वहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे बड़ा है, ढेर सारे जानवर है, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम करके हम लोगों को। किस किस जानवर को देखा अभी यहाँ पे? हमने तेंदुआ, मतलब बहुत ढेर सारे बर्ड्स हुआ, एनिमल्स हुआ, सबको देख चुकी हैं, और मतलब बहुत रियल में देखने में जो अच्छा लगता है, वो किसी और चीज पे देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। आप क्या कहेंगी, आप क्या नाम है? सरोज। कैसा लगा यहाँ पर आए, देखा आपने? बहुत अच्छा लगा। टिकट कितने रुपए की है यहाँ पर? यहाँ पे 30 का 30 का एक लोग का टिकट है। 30 का एक लोग। हाँ। अच्छा, पानी की कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जो पब्लिक है उनके लिए पानी पीने की कोई व्यवस्थाएं हैं? हाँ, पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं, खरीदना पड़ता है या मिल रहा? नहीं, वहाँ पे मिल रहा है, हर जगह टोटी लगा है, हर जगह ठंडा पानी मिल रहा है। गाड़ी भी एक चल रही है, कितना किराया होता है जानकारी? गाड़ी का नहीं पता, गाड़ी पे नहीं, हम लोग पैदल ही अच्छा लगता है जाने में। कितनी देर हो गई, किस किस जानवर को देखा? अभी तो हम लोग आधा जानवर देख लिए, अभी आधा जाएंगे तो आधा देख लेंगे। ठीक, फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।